गाइस हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मैं गुड मॉर्निंग कहने वाली थी और गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं कह रही हूँ कि अभी टाइम 5:30 होने वाले हैं और शाम को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और शीनू आ रखा है, तो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग की जगह फिर तभी मैं रुक गई कि हाय कैसे हैं आप सब। तो ब्लॉग में यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है छठ पूजा, संडे है, तो छठ तो शायद फ्राइडे सैटरडे शुरू हो गई, मुझे नहीं पता। आज हमारे पार्क में बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह हो रखा है, छठ पूजा की तैयारी हो रखी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हैप्पी छठ पूजा। तो जिस जिसके घर होती है, कैसे होती है मुझे नहीं पता, आप लोग बताना मुझे, तो उनको भी हैप्पी छठ और हमको भी हैप्पी छठ, सबको हैप्पी छठ पूजा। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और अभी हम चलेंगे पार्क थोड़ी देर में, तो छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों को शेयर करूंगी। तो ये बच्चे बैठे हुए आरव, अंशु, शीनू, हेलो करो। हेलो। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ खाने वाने की, क्योंकि आज चलो बताती हूँ। अभी पहाड़गंज गई थी और अंशु की ना पैंट स्कूल की बिल्कुल छोटी हो गई है, पेट से टाइट हो गई, ऊपर से हो गई, तो ये इसकी दो नई पैंट स्कूल की लेकर आई हूँ। और आज संडे इसके पापा ऑफिस गए हुए हैं, प्रदीप और ये दोनों गए हैं, इनको जरूरी काम था तो इसलिए गए हैं, अपना काम निपटा रहे हैं। और पूनम आ रखी है, मिलाती हूँ। पूनम तो खैर भाई दूज से ही आ रखी है, तो मैंने उसके बाद दिवाली के बाद ब्लॉग ही नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और टाइम भी नहीं मिल पाया था। तो ना मैंने भाई दूज का ब्लॉग बनाया, ना मैंने और उसके बाद बनाया। तो चलिए पूनम से भी मिला देती हूँ आप लोगों को और थोड़ी सी खाने की तैयारी कर लेती हूँ और फिर चलते हैं पार्क में। बहुत देते गाने चल रहे हैं, यहाँ तक आवाज भी आ रही है, और वहाँ पे सब पानी वानी का सारा अरेंजमेंट कर रखा है जो छठ पूजा करते हैं उनके लिए। चलिए चलते हैं। तो भी बताती हूँ, पता है आपको इसको एक चीज से बड़ा प्यार है। यशु, ये कौन है? ये कौन है? यहाँ पे कुछ है? अरे यहाँ पे है कुछ, है बंदर सा लग रहा है मुझे, बंदर देखियो। अरे जल्दी देखियो, इधर क्या डरता है बंदर से। हमारी टंकी पे ना बंदर आया था, इसे तो इसे बंदर डर लगता है। अरे देखियो खुड़ खुड़ कर रहा है इधर, वो देखो देखियो जल्दी जल्दी। अरे आरव के ऊपर चढ़ के बैठ गया, बंदर आया बंदर। तो हाय कर, हाय कर, लाइक, चैनल सब्सक्राइब। एक बार बंदर बोल गाइस और इसने बोल दिया बुलबुल बाबा पजामा है, बंदर मामा पैंट पजामा, बंदर चला था आगे से और इसने बोल दिया अपन ओ बुलबुल मामा पैंट पजामा, उसको उठा के ले जाता बंदर है ना। नहीं मैंने नहीं बोला था, उठा के ले आता ना बंदर तेरे को। मैंने नहीं बोला। क्या नहीं बोला? मैंने कुछ भी नहीं बोला था। बोलता तो है तू? मैं नहीं बोलता। चल अच्छा अंदर जा, बंदर 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 बंदर। तो ये रे गाइस, आप लोगों को पता है आज है मैच, मतलब ये बताना ही भूल गई, आज इतना अच्छा दिन है, आज संडे है और आज है इंडिया और किसका मैच है, इंडिया इंडिया का तो है, हम इंडिया ने तो हमें पता है, और नहीं 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 इंडिया और किसका मैच है, हाँ ऑस्ट्रेलिया। मैं दूसरी टीम का नाम नहीं पता था, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती मैच में, तो ऑस्ट्रेलिया ना, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और अभी 5:30 हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट नहीं। इंडिया की टीम पता है मुझे अपनी, इंडिया जीतेगी जीतेगी जीतेगी, है ना। तो इंडिया, मामा को रिमोट दे के वो चैनल लगा दिया, हाथ पैर लेकर आ, ठीक है जा, अभी बुला रहे हैं, हाँ जा रिमोट ध्यान से लेके जाइए, एक मैं इसको पन्नी में दे देती हूँ, ये गिरा विरा दे, हमारे पास भी इकलौता रिमोट है ना, खो गया तो हमें कोई लाके थोड़ी देगा, रुको फटाफट जान से चले जाए साथ में, इसके चैनल लगवा के हाथ के हाथ आ जाइए, ठीक है। और ये स्केट 24 घंटे स्केट पहने रहता है मेंटल लड़का, उतार उसको और उसके साथ जा, जाओ तीनों जाओ, आ रहा है वो, आ रहा है, और हाथ के हाथ ले फटाफट, तू लेकर आ जाइयो अंशु, चाह उनको वहीं छोड़, अंशु तू लेकर आइयो हाथ के हाथ रिमोट, ठीक है, पापा आएंगे फिर वो भी मैच लगाएंगे, जा रहे हैं। तो लड्डू के लिए पूछ रही हूँ शीनू को, कह रहे मैं नहीं खाता लड्डू, तो गाइस मैं लड्डू खा लेती हूँ। दिवाली की भाई दूज की बहुत सारी मिठाइयां आ रखी थी, रख रखी थोड़ी जो हम खा सकते हैं वो रखी, बाकी मैंने मम्मी के यहाँ सब भिजवा दी, क्योंकि इतनी हम भी नहीं खाते, बच्चे तो हमारे खाते ही नहीं। तो चलिए चलते हैं पार्क, थोड़ा देख के आते हैं, क्योंकि अब
क्या सूरज ढलने वाला है ना, तभी होता है ना अर्घ देते हैं। तो अब टाइम हो गया सूरज ढलने का, तो अब वहाँ पे भीड़ होगी, चलते हैं। तो चल भाई तुम्हारा त्योहार है, चले चलो छठ पूजा देखा के लाए। बोल जय छठी मैया, बोल जय छठी मैया, बोलो जय छठी मैया, चलो ये पूनम को देखो, हनुमान जी वैसी क्या बंदर बनी पड़ी, बंदर बनी पड़ी तेरी मम्मी, मम्मी बंदर बनी पड़ी, वो चढ़ के भागा, तेरी मम्मी बंदर बनी पड़ी है, चलो माँ अभी ये फैशन करी जी, कैसे बस बाल बनाऊंगी, पिंक कलर की चड्डी बाहर आ गई, अबे पिंक कलर पहनता तू, शीरू की पिंक कलर की चड्डी, तू क्यों हंस रहा है, तू क्यों हंस रहा है, देखो दरवाजे के पीछे बंदर बैठा क्या, ये सब बंदर से ना बहुत डर लगता है, चलते हैं, उतर रहे हैं हम लोग, पूनम बुआ ऊपर से आ रही है अभी, और शेरा शिनेरा हेलो गाइस, हेलो गाइस, यार पूनम ऐसे आ गई हमारी पलटन, और चल रहे हैं आवाज आ रहे हैं ना गाने बिहारी गानों के, तो भोजपुरी गाने चल रहे हैं, भोजपुरी गाते हैं, भोजपुरी गाने चल रहे हैं, तो चलते हैं। नानी क्या उनको बोल दिया हम पार्क में है, ठीक है पार्क में आएंगे, उन दोनों को पार्क में लेके आइयो, ठीक है चलो। गाइस मुझे लग रहा है हम लेट हो गए हैं, और यहाँ पे देखो तैयारी हो रखी है, और हो गई है पूजा वगैरह, हम लेट हो गए, और वैसे भी चांद निकल गया मेरे ख्याल से, हो गया कोई भी नजर नहीं आ रहा, ले गाइस देख लेते हैं पास चल के, यहाँ पे स्पीकर वगैरह तो बहुत चल रहे हैं, और लेकिन हम लोग लेट हो गए हैं, और हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, हेलो ये पूछ रहा है ब्लॉगिंग कर रहे हो, हाँ तो ये देखो कितना सुंदर सजा रखा है, और रंगोली भी बना रखी है, दिए वगैरह लगे हैं, हाँ हो गई है पूजा, यहाँ पे रंगोली भी बहुत सुंदर बनी हुई दिखाती हूँ, ये देखो कितनी सुंदर रंगोली बनी हुई है, जा पूनम बैठ जाओ इसके अंदर, यहाँ पे सब रेडी तैयारी हो रखी है, देखो कितना सुंदर है, एक वहाँ बनी है, एक बस हमने लेट कर दिया, ये पूनम का मेकअप के चक्कर में हुआ है, ये मेकअप करने लगे ना लेट हो गए, सब इसी की वजह से होता है, इसकी वजह से, चलो फिर अब चलते हैं घर, यहाँ पे कुछ नहीं, चलते हैं अब तो कोई यहाँ पे भीड़ ही नहीं, तो बहुत भीड़ होती है, चंदा मामा निकल गए ना, ये देखो चंदा मामा नजर आ रहे ना, सूर्य ढलता है तब अर्घ दिया जाता है, चलो भाई चलो, बस का एक ही डांस है, एक ही डांस है तेरा, एक ही है, ये देख ये अच्छा तो ये बैठे गांधी जी के चार बंदर, तीन तो होते थे चार हमने बना दिए, गांधी जी के चार बंदर, तुम गांधी जी के चार बंदर हो, ये तो बंदर आई, ये तो बंदर आई, अरे ये पांचवा और आ गया, कह रहा छठ पूजा कहाँ लेके जा रहा है, छठ पूजा दिखाने, कह रहा छठ पूजा देख ले, इस पांचों लड़के हैं बराबर बराबर एक साथ खेल रहे हैं, ये हमारे घर के पांच लड़के हैं, हमारा हो गया पोपट जो के होता रहता है, आप लोगों को पता है हमारा पोपट होता रहता है, तो हम आए थे छठ पूजा देखने, और छठ पूजा हो चुकी है, तो अब चलते हैं हम घर की ओर, और जहाँ हम जाते हैं हमारा पोपट होता ही होता है, तो हमारा नाम पोपट लाल है, इन बच्चों का नाम पोपट लाल है, पोपट लाल कौन है, ये पोपट लाल सारे कहाँ आ रहा है, चलो आ जाओ, आओ पोपट लाल, ये सारे पोपट लाल है, ये पूनम की वजह से हुआ है सारा हमारा, ये मेकअप करने लग गई ना लेट कर दिया, एक लिपस्टिक लगाने में इतनी लेट कर दिया, मैं जल्दी लगा ली थी तब तक हो गया था, चलो चलो मंदिर में घंटी बज रही है, पूजा हो गई है, जय माता दी, इसने कपड़े पहने हुए हैं, चीकू के बच्चे हैं ये, चीकू के बच्चे अरे मेरे बच्चे डांस देखो इसका, इसका अभी पता है गाने चल रहे थे पार्क में, यशु को नचाया हमने, हैं वो देखो गाइस देखा, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, चलो अब बस तो बहुत हो गया, ये कुछ बता रहा क्या, मम्मी हाँ तेज की बोलना, जब
बुआ ने मछली बनाई थी ना, उसका मुंह तो कैसा था ऐसा मच्छी का मुंह बता रहा है। पूनम आई थी तो इसके लिए फिश लेकर आई थी, फिश फ्राई करके खिलाई थी, तो ये मच्छी का मुंह बता रहा है। मछली का मुंह ऐसे था, ऐसा था। फिर क्यों खाता मछली, मैं तो नहीं खाती छे। इसे मछली बहुत पसंद है, वो भी सिर्फ पकौड़े खाता है फ्राई करके, है ना, बहुत पसंद है इसे चिकन से ज्यादा। चलो अब हम चिकन बनाएंगे हम घर पे। अरे सब यशु की वजह से होता है हम छठ पूजा नहीं देख पाए, बस हमने डेकोरेशन देखी छठ पूजा की, इसकी वजह से ही होता है। और यशु ने डांस किया, पोपट भी हो गया था इसका, जैसे ये इसने डांस स्टार्ट किया वहाँ पे गाना बंद हो गया, है ना, इसलिए ये पूनम की लिपस्टिक की वजह से हुआ है। लिपस्टिक वाली बहना लिपस्टिक लगाने लग गई थी ना तब। चलो अपना काम कर लेते हैं। अरे बाप रे इतना तेज पंखा चल रहा है ठंड में, बाबा रे ये पंखा किसने चलाया है, बंद कर दो भैया, बिजली का बिल आएगा, ठंड भी हो रही है। तो हम अपना काम कर लेते हैं। मैंने ना फ्रिज बंद कर रखा है, देखो फ्रिज में कुछ नहीं है। अब फ्रिज को कर देंगे ऑन। टैटन प्लग कहाँ गया, प्लग कहाँ गया बाबा, ये गिरा पड़ा। तो चलो भाई कल से मैंने फ्रिज बंद कर रखा था क्योंकि इसके ना ऊपर वाली साइड में बहुत ज्यादा बर्फ जम गई थी, कुल्लू मनाली वगैरह सब इसी में जम हो गया था, तो इसलिए मैंने ना इसमें ज्यादा बर्फ थी तो सामान ऊपर ही रख रखा था, फ्रिज बंद कर रखा था। चलो इन सबको सामान को नीचे ट्रांसफर कर देंगे, फ्रिज को ऑन कर दिया है। चलिए फ्रिज, ये दूध को घर कल का दूध है फ्रिज में रखा हुआ था, गर्म कर लेंगे। तो आओ दिवाली की मिठाई खाओ, चलिए खा लीजिए मिठाई, थोड़ा सा खा के देखती हूँ। मिठाई खाएगा हाँ, तो बर्फी खा लो भैया, हम खा लेते हैं बर्फी, कलाकंद मिल्क केक। दूसरी वाली कौन सी, गंदा आप लगा, चल ले ऐसी करती हूँ, इसका मेरा चलता है, चल ले ले, देखना भी देखना, बुरा मान गया, बुरा मान गया, अच्छा ले ये ले, इधर अच्छा ले ले, आ गए से पापा आ गए, ले पापा आ गए, पापा तो आ गए हैं अभी, बस मैं थोड़ा सा खाना वाने की तैयारी कर लेती हूँ। और पोपट तो ही है आप लोगों को पता ही है क्या, मिठाई खा लो इसी बात पे, आ जाओ। और मैच का स्कोर है 241 रन बनाए हैं इंडिया ने, अब ऑस्ट्रेलिया खेलने आ रही है। और मैं आपको ऐसे करके ना दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे चैनल पे ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो अब खेलेगी ऑस्ट्रेलिया, फिर देखते हैं कौन जीतता है। इंडिया की पारी खत्म हो गई है और अब है ऑस्ट्रेलिया की पारी, तो 240 रन टारगेट है, चलिए बने रहिए। तो गाइज आ गए ये भी, हेलो करो। तो पूरे दिन तो मैच देखा नहीं, अब लेट गए, मैंने लगा रखा, अब मैंने भी अभी चलाया, मैंने भी अभी चलाया, फोन पे लगा रखा था, बहुत सही है। मैं सोचती थी तुम आज रहोगे, आज मैच देखे पूरे दिन, ये बग गए ऑफिस। चलो अब आएगा देखने में मजे, हाँ अब लास्ट है ना, पंखा, अच्छा पंखा भी चल गया, दोनों लाइट चल गई। चलिए तो प्रदीप क्या कर दिया तुम लोगों ने, जाके मैच सारा खराब करा दिया, मैच का इतने कम रन बनवाए, अरे मैच जीतेंगे, शर्ट लगा लो, चलो लग गई, किसकी बोतल की, बोतल पैस हो गई, बोतल बोतल की लगाती, अरे पेप्सी की, हाँ पेप्सी की बोतल की, चलो ठीक है इंडिया जीतेगी तो प्रदीप पेप्सी की बोतल पिलाएंगे, बड़ी वाली 2 लीटर वाली, ठीक है मैं कुछ नहीं दूंगी। तो एक आउट हो गया, आउट हो गया, ये अब स्पीकर ऑन हो गया, ये तो एक आउट हो गया, इतनी खुशी पहली बार विश्व कप में और पहली ओवर पे, नहीं दिखाऊंगी टीवी, नहीं दिखाऊंगी टीवी, नहीं दिखाना ना पूरी तरह से, एक और मैच है, सीरीज स्ट्रीम, आवाज सुन सकते हो, और अब इतना शोर आएगा, इतना शोर आएगा, जैसे आप करेंगे तो सब जगह से शोर आएगा। अच्छा लग रहा है, उसको पसंद है, ये खाता है फ्राई रोस्ट अच्छे से, खा लो। मैच जगह तो बुआ है, ये पूरी बिल्डिंग की बुआ है, बच्चे सारे बुआ कहते हैं इसको। तो मैच अभी चल रहा है, मस्त इंटरेस्टिंग सा हो रखा है, तो हम लोग मैच एंजॉय करते हैं, आप लोग भी मैच एंजॉय करो,
इंडिया जीते, दुआ करो। तो चलिए इस ब्लॉग में यही एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। लाइक कर लेना वीडियो पसंद आए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय 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 बाय। तो गाइस ये ब्लॉग खत्म होने के बाद मैं वीडियो बना रही, क्योंकि इंडिया हार गई और ऑस्ट्रेलिया जीत गई और मैं अभी एक्साइटेड हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने कि इंडिया जीतेगी, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। चलिए बाय बाय।